सलाह अमृतसर खालड़ा मिशन ऑर्गेनाइजेशन वालों पंजाब के सबका डीजीपी सुमेत सैनी की गिरफ्तारी लिए रोस प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि अगर सुमेत सैनी की गिरफ्तारी नहीं की जाती तो वह आने वाले दिनों में संघर्ष होर भी तेज करेंगे। इस मौके खालड़ा मिशन ऑर्गेनाइजेशन के बिरसा सिंह ने रोस प्रदर्शन बारे जानकारी दिए हुए दसिया कि पंजाब 1971 तो लैके 1995 तक पुलिस ने सिख नौजवानों के झूठे मुकाबले बना के उन्होंने मारिया, पर सरकार इस गल नूं मनन नूं तैयार ही नहीं सी। आज दा जो धरना है ये धरना जो पिछले समय के पंजाब की धरती से 70 तो लैके 95 तक झूठे पुलिस मुकाबले बनाए गए सी। उस झूठे पुलिस मुकाबलों के वास्ते खालड़ा मिशन कमेटी ऑर्गेनाइजेशन से जसवंत सिंह खालड़ा ये कहिंदा आया कि पंजाब की धरती से 25,000 लोगों झूठे पुलिस मुकाबलों के मार दिता गया आ, पर इतों की सरकार, इतों की हुकूमत, इतों की इंटैलीजेंसी इस गल नूं मन नहीं सी रही। असी इस दी जिहड़ी हैगी आ जुडिशरी इनकुआरी कराउण वास्ते भी कहिंदे रहे हां। हिंदुस्तान के रिटायर जजा की एक कमेटी बना के वो भी इनकुआरी कर, पर किसी ने इसकी कोई इनकुआरी नहीं करवाई क्योंकि कहते हैं कि झूठे पुलिस मुकाबले इतने होए ही नहीं। पर अज कुछ पिछले दिनों के गल उजागर हो गई आ, ये गल सामने सच हो गया कि जो सुमेध सैनी डी जी पी सी इस पंजाब का, उन्हें एक चंडीगढ़ जिहड़ा हैगा वा उस व्यक्ति नूं उत्थों चुक के जिहड़ा हैगा वा उस नूं तशद्दुद कीता, उस नूं मुड़ के मार दिता, तो मुड़ के उन्हों अणपछाता कह के कितें सुट दिता, साड़ दिता। झूठा पुलिस मुकाबला जिहड़ा हैगा वा इस तरह के बनाए जिहड़े पंजाब की धरती दे विच ते होए, ये गल अज सच हो गई आ कि पंजाब की धरती के वाकया ही झूठे पुलिस मुकाबले जिहड़े हैगे आ वो बनाए गए ने, लोगों को अणपछाते कह के साड़िया गया वा, पर इसका कोई इंसाफ नहीं मिलिया। असी ये धरना जिहड़ा हैगा वा सुमेध सैनी नूं गिरफ्तार कराने वास्ते ते पंजाब दे विच झूठे पुलिस मुकाबलों का इंसाफ लैण वास्ते धरना दे रहे हैं। हुण देखना यह होगा कि इस मामले में इस प्रदर्शन का नतीजा की निकलता है। सलाम अमृतसर तो ललित शर्मा की रिपोर्ट, ट्रू स्कूप।